साल हो गए शादी करे हुए। 10 तारीख चौथा महीना 2018 को करी थी। अब वो बोल रही है क्या, बोले शादी करो क्या तुम दोनों, क्या बिठा के शादी करने का। के बच्चे नहीं होते थे तो उनको बुलाती थी, मतलब कभी मेरे को बुला लेती। शादी करो क्या तुम दोनों, क्या बिठा शादी करने का। मतलब एक सिस्टर के क्या रीजन हुआ ऐसा, उन्होंने आपको शादी वो उसके बच्चे नहीं होते थे तो उनको बुलाती थी, मतलब कभी मेरे को बुला लेती वहाँ पे घर पे, कभी हमारे घर पे बुला लेती फोन करके, तो दोनों को कमरे में छोड़ देती थी कि तुम दोनों बैठो मैं बाहर बैठ जाऊँगी, तो मैं हमारे को छोड़ के बाहर चल जाती थी। फिर क्या बोले, जो इनसे भी पहले बोला कि तुम मेरी बहन से शादी कर लो, तो इन्होंने पहले मना कर दिया। फिर मेरे को इनको पापा के सामने बिठाया कि तुम दोनों है ना, मतलब शादी करनी पड़ेगी, तो इन्होंने भी हाँ भर दी, मैंने भी हाँ भर दी, ठीक है कर लेंगे, बच्चे नहीं हो रहे तो कर लेंगे, अपन दोनों बहनें खुश रहेंगी के। तो फिर यहाँ से पापा ने, उसने भाइयों ने सब ने भेज दिया शादी कर लो। फिर हमने शादी भी कर ली, अब शादी करके और हम गाँव आए, मारने की और ये धमकी दे रहे हैं कि जान से मार देंगे, ऐसे कर देंगे, मतलब इनको धमकी दे रहे हैं। और ये ऑटो चलाते हैं तो अब बोल रहे कि मतलब यहाँ से चल जाओ, 5 लाख रुपए दो के हमारे को। अब हमारे पास पैसे भी नहीं है, हमने शादी कर ली और कुछ 4 दिन पहले इनकी मम्मी की डेथ हो गई, तब भी हम डर के मारे आए भी नहीं यहाँ पे, वहाँ पे दिए जी। कौन मांग रहा है, आपके पापा मांग रहे हैं? मेरे पापा मांग रहे थे। आपकी सिस्टर, आपकी शादी से कोई दिक्कत नहीं, उनको कोई तकलीफ नहीं हो? नहीं, वो एग्री है। मेरे से पहले भी उसकी शादी हुई हुई थी 6 साल। आज अपना पैसे आपने शादी कर ली, शादी कर ली, शादी कर ली जी, खुश हैं आप? शादी कब की थी आप लोगों ने? 26 तारीख। ठीक है, आपका नाम? समस्या आ रही है, आज क्यों पेश होना पड़ा? ये हमारे, मेरी शादी है 2 साल हो गए, तो मेरी शादी को 6 साल हो गए। वो क्या है कि छोटी वाली सिस्टर को, मेरी जो मिसेज है ना, वो रोज दिल बुलाती थी, मतलब और मेरे पास में ला के बिठा देती थी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। तो धीरे धीरे मतलब वो बाहर निकलने लग गई, मतलब कमरे में से, बोला कि तुम दोनों जने पास में रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब तुम्हारे दोनों में मोहब्बत बढ़ेगी। तो हमारी, मेरे को इसने रात के समय मतलब शादी के लिए बोला इसने पहले कि शादी मेरी सिस्टर से कर लो, तो मैंने मना कर दिया था। कि रीज़न क्या था शादी करने के लिए? रीज़न ये था कि इसके क्या है, बच्चे बच्चे नहीं हो रहे थे, 6 साल से बच्चे बच्चे नहीं हो रहे, मेरे 6 साल हो गए मेरी शादी हुई जी, ये रीज़न था जी। तो इस कारण मैंने इससे। आपने कब शादी करी और कहाँ पे की? जयपुर में करी मैंने। किन से करी थी? रुखसार से। तो ये क्या आपकी साली लगती थी? साली लगती थी मैंने, बाकी मजबूर मेरी लुगाई नहीं करा मेरे को जी, और मेरे ससुरे ने करा। अब क्या मांग हो रही है आपसे?
अब मांग हो रही है कि 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, इधर मारा कूटी करेंगे, हाथ पैर तोड़ देंगे, ये धमकी दे। आपने पहली वाली वाइफ से क्या तलाक ले ली? वो शादी के समय, मतलब कि शादी मतलब मेरे से ही, मतलब इससे करनी पड़ेगी, और वहाँ करोगे ना मतलब रजामंदी से, मतलब कुछ खाना वाना कुछ भी करे तो 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, नहीं तो आप बाहर चल जाओ। ये मेरे ससुरे ने और मेरी जो मिसेज थी ना, इसने ये बात बोली, और इनके कहने से हम बाहर जाके हमने शादी करी। तो आपके ससुर जी क्या आपसे डिमांड कर रहे हैं पैसों की? डिमांड जिस समय करी थी हमारे से 5 लाख रुपए, अब वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये लड़की है, इसका खर्चा मतलब इसकी शादी के लिए, वापस शादी के लिए। आपकी पहले वाली वाइफ से आपने तलाक लिया था? हाँ, नहीं, इससे तलाक नहीं लिया था। अच्छा, तो उनकी रजामंदी से आपने शादी करी? हाँ, रजामंदी से शादी करी। ठीक, आपकी पहले वाली बीबी का क्या नाम था? मदीना। और इससे भी पहले इसकी शादी भी हुई थी मेरे से भी पहले। अच्छा, 2-3 साल पहले इसने मतलब रेके भी आ चुकी, वो आगे मतलब मेरे से भी पहले। ठीक है, आपका नाम बताओ। आपका नाम गुलजार डाल दूँ मैं।